आज सच में बहुत बोलने का नहीं है, सुनने का है। मैं तो 6 बेटियों का अनुभव सुन करके लगा कि हम लोगों को अपनी स्पीच और कम कर देनी चाहिए, कुछ और अनुभव शेयर करने चाहिए। बड़ा प्रेरक रहा है। मैं फरहानाज और लता परमार, फरहानाज JSS, लता परमार NSTI नोएडा, रानी नैप से, मनीषा पाल NSTI, आरती PMQY से जुड़ी, सितारा PMQY, और उनकी फरहानाज की टीचर आशा मैडम से लेके सभी इनके जो शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं, और इनके माध्यम से सभी बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतवर्ष में यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि विश्व ने, की संस्थाओं ने जो एक कोई ना कोई दिन रखा है, कभी बाल दिवस, कभी हमारी प्रधानमंत्री जी की विशेष पहल पर योगा दिवस भी आज 21 जून पूरे देश में होता है, दुनिया में होता है। इन सब के पीछे एक बड़ा पवित्र उद्देश्य है कि उस विषय को फोकस करना। लेकिन कालांतर में जाए तो हमारे देश में ये बड़ा प्राचीन कालखंड से चला रहा महिलाओं के सम्मान। महिला हमारे यहाँ आज जो महिला सशक्तिकरण का अभियान है, मैं उसको पूरा बल देता हूँ, पूरा समर्थन है मेरा, और अच्छी पहल है। लेकिन हमारे देश में तो शक्ति की उपासना का ही देश है, और शक्ति की जब सामर्थ्य अकेले में नहीं हुई, पुरुषों में दैवी शक्तियों के अंदर लगा कि राक्षसी प्रवृत्तियों में तुमको और बल मिलेगा और सावधान होगा। आपने देखा कैसे फरहानाज ने जो अपनी कठिनाई व्यक्त की, कैसे आत्मनिर्भर हुई, कैसे घरों से निकल के लता ने, रानी ने, मनीषा पाल, आरती, सितारा सब ने कैसे ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करके उस बेटी ने बताया, कैसे उसने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप किया। अभी जो बेटी अपना बोल रही थी उसका बोलना रुक गया, हम लोगों ने कहा नहीं बोलो, तो उसने फिर अपना कॉन्फिडेंस रिवाइव किया। तो ये सब पहले मैं तो बहुत अच्छी पहल किया, जो वीडियो आप लोगों ने प्रदर्शित किया है, मेरे विभाग के लोगों ने अच्छा बनाया है। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि आगे थोड़ा और इसको इम्प्रूव करें। इसमें ये जो इनके अनुभव हैं, ये अनुभव को कम शब्दों में शेयर करके इसे भी नीचे तक भेजा है, और महिला सशक्तिकरण के, महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के विषय को ज़्यादा फोकस करें। जनरल वीडियो अलग बनाएं, उसका अपना महत्व है, लेकिन इसको ज़्यादा फोकस करें। और ये जो अनुभव हैं, ये बेटियों को अब कैसे दिव्यांग, मैं तो इन सभी बेटियों को और इनके माध्यम से सारी बेटियों को अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देश में एक अपनी अच्छी पहल की और प्रोग्राम प्रस्तुत किए। आज के इस मौके पर आपने देखा होगा पिछले दिनों कजान में, जब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तरीय स्किल कंपटीशन के अंदर हमारी बेटियों ने भी कमाल